सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो कि WWE का नेक्स्ट बड़ा इवेंट होने वाला है, WWE क्राउन जूल 2022 का प्रीमियम लाइव इवेंट गाइस, वो अभी फिलहाल 3 हफ्ते दूर है। और गाइस, ये एक सऊदी अरेबिया का शो है, लेकिन आपको क्लियरली पता चल गया है कि ये इनडायरेक्टली एक बड़ा इवेंट तो होने वाला है। पता है सऊदी अरेबिया WWE का बहुत ही बड़ा मार्केटिंग प्लेस है, और वहाँ पे गाइस WWE हमेशा प्लान करती है कि वो बहुत ही बड़े बड़े चीजें करते हुए दिखने वाले। तो आज यही बात करने वाले हैं कि क्या हो सकते हैं वो टीम बड़े सरप्राइजेस जो हमको WWE के क्राउन जूल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट देख सकते हैं और शॉक कर सकते हैं। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर आप WWE का क्राउन जूल का इवेंट देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, नंबर 3 पे हम लोगों ने रखा है हमारे ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच। गाइस, अगर सर आपने मने ब्रॉक का लास्ट एपिसोड देखा रहेगा, आपको ये बात पता चल गई रहेगी कि ब्रॉक लेसनर ने उनका WWE में रिटर्न कर लिया। गाइस, तब से SummerSlam में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के सामने हार गए थे, तब से ही गाइस हमको ब्रॉक लेसनर गाइस WWE में दिखने लगे। गाइस, मने ब्रॉक के सीजन प्रीमियर के एपिसोड में गाइस ब्रॉक लेसनर का रिटर्न किया और उन्होंने एक बहुत ही वाला ब्रूटल अटैक किया बॉबी लैशली के ऊपर। यानी बात ऐसी कि बॉबी लैशली बाहर आए थे और वो तैयार हो रहे थे उनके मैच अगेंस्ट जो कि सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट होने वाला था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लेकिन फिर क्या होता है, आउट ऑफ द मून आते हैं ब्रॉक लेसनर और उन्हें इतने गंदे तरीके से बॉबी लैशली को धोया कि उनका हाथ ही गाइस उन्होंने मुड़ के रख दिया। और इसके वजह से गाइस ये चीज का फाइट हो रखे हमारे जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है गाइस, उन्होंने जाके सीधा गाइस बॉबी लैशली को हरा के जीत ली थी US Championship। मैंने कहा ये मैच में तो गाइस पहले से इन दोनों का मैच तो होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बदला भी लेने को देखेंगे हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली, क्योंकि गाइस आपको पता रहेगा कि गाइस बॉबी लैशली भी अभी WWE का हायर लेवल पे काम करने लग गए। ये वही लेवल है जहाँ पे हमारे रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना ऐसे लोग काम करते हैं, इसलिए गाइस WWE बॉबी लैशली को भी एक बड़ा डील ट्रीट करते हुए दिखने वाले हैं। इसलिए गाइस मुझे लगता है कि गाइस WWE को क्राउन जूल में मोस्ट प्रोबेबली ये मैच देने वाले, क्योंकि रिपोर्ट भी आई थी बहुत एक दो महीने पहले कि WWE प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, और अभी का डायरेक्शन लेके यही लग रहा है कि WWE हमको क्राउन जूल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का ही मैच दिखाने वाले हैं। इसलिए गाइस हमको क्राउन जूल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच दिखने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा मैच होने लिए प्रीमियम लाइव इवेंट में। हाँ, ये बात समझते देखिए कि WWE मैच करेगी, पास है सऊदी अरेबिया का शो है और WWE को लगते हैं बड़े बड़े स्टार्स, और नो डाउट ब्रॉक लेसनर कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, इसलिए WWE ने ब्रॉक लेसनर को ये इवेंट में लाया। इसलिए हमको मोस्ट प्रोबेबली इवेंट में मोस्ट प्रोबेबली का गाइस 100% मैं लिख के दे रहा हूं गाइस कि हमको ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच दिखने वाला है क्राउन जूल के प्रीमियम लाइव इवेंट में। फिर गाइस, नंबर 2 पे हम लोग ने रखा है हमारे सेट फ्रीकिंग रॉलिंस का मैच अगेंस्ट रिडल। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि गाइस हमारे सेथ रॉलिंस बन गए हैं हमारे न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और गाइस हमको अभी शायद से गाइस क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस और रिडल का एक लास्ट एंड थर्ड मैच होते हुए देख सकते हैं। बात ऐसी गाइस कि पहले इनका मैच होता है क्लैश एट द कैसल में, वहां पे सेथ रॉलिंस जीतते हैं। फिर सेकेंड मैच होता है WWE के एक्सट्रीम रूल्स के प्रीमियम लाइव इवेंट में, जहां पे हमारे रिडल जीतते हैं। और मुझे लगता है कि गाइस ये अभी हमको लीड करते हुए दिखने वाली है ये दोनों स्टार्स के थर्ड मैच के लिए। यानी गाइस मुझे लगता है इनका एक बेस्ट ऑफ 3 सीरीज होते हुए दिखने आ रहा है। अगर मुझे लगता है कि क्राउन जोन में ये मैच परफेक्ट फिट पड़ेगा और ये रहेगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। गाइस एक बात अच्छी की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि गाइस पहले से ही रॉ पे अभी रोमन रेंस से ज्यादा आते ही नहीं, वो वंस इन अ वाइल ही आएंगे, बहुत ही रेयर आते हैं रोमन रेंस, और रॉ पे कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप है भी नहीं। और जो रॉ का वन ऑफ द मेन फोकस रहता है वो है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और अगर से WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस को देती है तो इनडायरेक्टली गाइस रॉ पे गाइस वो ही मेन टाइटल माना जाएगी, और सेथ रॉलिंस को पता है गाइस वो हर एक बड़े बड़े फ्यूड में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन है WWE के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि उन्होंने सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाया। क्योंकि अभी आप देखो गाइस पहले तो सेथ और रिडल के मैचेस हो गए तो उसमें कोई चैंपियनशिप थी नहीं, लेकिन अभी सेथ रॉलिंस के वजह से गाइस जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है गाइस वो अभी प्रीमियम लाइव इवेंट में फीचर होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जब से बॉबी लैशली भी चैंपियन, जब से भी गाइस वो चैंपियनशिप फीचर हो, लेकिन मुझे
गाइस अभी सेथ रॉलिंस से जो चैंपियनशिप जीते गए उससे लगता है जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप गाइस उसका लेवल और भी बढ़ने वाला है और उनको और भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स में दिखने वाला है। इसलिए गाइस हमको क्राउन जो मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल का मैच देख सकते हैं फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस मुझे लगता है ये परफेक्ट सीनरियो रहेगा ये दोनों के फ्यूड खत्म करने के लिए। यहाँ पे चैंपियनशिप भी रहेगी और यहाँ पे इनका एक थर्ड एंड फाइनल मैच रहेगा जहाँ पे गाइस सेथ रॉलिंस एक बार जीते हैं और रिडल भी एक बार जीते हैं। तो कैसे करके ये क्लासिक डी कासन में के बाद से और एक्सट्रीम रूल्स के बाद से इनका फाइनल मैच रहेगा सीरीज में और मुझे लगता है कि क्राउन जोन में इतना बड़ा मैच रख के डब्ल्यू को बहुत ही मोटे पैसों का भी फायदा हो जाएगा। यानी हाँ गाइस रिडल इतने बड़े स्टार नहीं तब भी गाइस ये फ्यूड इतनी अच्छी रही है कि मुझे लगता है कि इसको अच्छे से क्राउन जोन में खत्म कर देना चाहिए। यानी कैसे फ्यूड यानी कैसे वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड चल रही है डब्ल्यू में। यदि आपको पता है तो डब्ल्यू में कैसे एक दो महीने के बाद फ्यूड स्टिल होते हैं ये फ्यूड में कैसे अलग अलग मसाला ऐड हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि क्राउन जोन में एक वन फाइनल मैच होगा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल। पर गाइस नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं शो के मेन मैच के बारे में, शो के मेन हाईलाइट के बारे में जो कि होने वाला है सिंगल्स मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द चैलेंजर लोगन पॉल। गाइस जैसे कि मैंने आपको मेरे पास्ट वीडियोस में भी बोला है इसमें पर्सनली ये मैच एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि हमको लोगन पॉल रोमन रेंस को इतना जल्दी चैलेंज कर देने के लिए। गाइस मैं पर्सनली बोलूँ जब तक गाइस जो लोगन पॉल स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं आए रहे उसके गाइस उससे वक्त भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया WWE क्राउन जोन के लिए लोगन पॉल से रोमन रेंस का मैच करेंगे। इस मुझे नहीं मैं एक्सपेक्ट किया ही नहीं कि ये मैच इतने बड़े लेवल पे हो सकता है। गाइस आपको पता है कि WWE सऊदी अरब को कितना बड़ा ट्रीट करती है इसलिए गाइस मैं सोचा कि क्राउन जोन में क्या WWE लोगन पॉल को लेकर आ रही रोमन रेंस के सामने। गाइस ये चीज़ मुझे हजम हो ही नहीं क्योंकि बाद में जब रिपोर्ट्स पर है तो मुझे समझा कि क्यों WWE ये मैच कर रही है। रिपोर्ट ऐसे थे कि गाइस WWE को चाहिए क्योंकि रोमन रेंस के लिए बड़ा मैच चाहिए। रोमन रेंस ने सब लेजेंड्स को फेस कर दिया जैसे कि गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, एज कोई बचा ही नहीं है। तो उन्होंने सोच के डिसाइड किया कि उनको एक लेजेंड है तो कोई बड़े स्टार को लेकर आना है तो वो एक सेलिब्रिटी को लेकर आए जो कि है लोगन पॉल। गाइस लोगन पॉल एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है अमेरिका में और इनडायरेक्टली कह सकते हो सऊदी अरब में एक सेलिब्रिटी फैक्टर लेके आते हैं और इस सेलिब्रिटी फैक्टर की चीज के वजह से ही गाइस हमारा रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच दिखने वाला है फॉर क्राउन जूल एट क्राउन जूल 22 फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यानी गाइस ये रिपोर्ट के पहले गाइस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या WWE जिंदगी में कर रही है वो रोमन रेंस को लोगन पॉल के सामने रखिए ये वही बंदा है जो 3 साल से एक भी मैच नहीं हारा है और सीधा वो WWE के डेब्यूटेंट लोगन पॉल के सामने ले करेंगे। अभी थोड़ा अगर ये चीजों को देखते तो मुझे समझ में आ रहा है कि WWE क्या कर रही है और ये परफेक्ट चीज भी है सऊदी अरब के लिए क्योंकि अभी कोई लेजेंड तो मचा नहीं है रोमन रेंस के सामने इसलिए एक सेलिब्रिटी फैक्टर से लोगन पॉल को लेकर ठीक ही है अच्छा लेकिन बड़ा टाइम इसकी बात करते हैं कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस है मैच में जीतने के। गाइस क्या आप में से थोड़े भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लोगन पॉल रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बनेंगे। गाइस मैं सच में बोल रहा आप जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं गाइस आज क्या WWE देख रहे हो गाइस नहीं कैसे अगर सिर्फ 3 साल से WWE देख रहे हो गाइस आपको पता रहेगा कि रोमन रेंस से मैच नहीं जीतेगा। यानी पर्सनली गाइस मैं तो WWE को बेसिकली 3 साल से बहुत ज्यादा ही फॉलो कर रहा हूँ गाइस मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि रोमन रेंस से मैच हारना है। लेकिन कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि क्या लोगन पॉल रोमन रेंस को आएगा और गाइस अगर ये चीज गलती से भी होती है गाइस ये बहुत ही स्टूपिडेस्ट चीज रहेगी पूरे WWE के हिस्ट्री में। गाइस ये रोमन रेंस ये वो बंदा है जिसने जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, एज, गोल्डबर्ग, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े बड़े स्टार्स को हराया और ये लोगन पॉल के सामने क्या गाइस बाहर का यूट्यूबर आके रोमन रेंस को हरा के चैंपियनशिप लेके जाएगा। अरे ये बहुत ही स्टूपिडेस्ट चीज रहेगी गाइस रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को एक ही साल के अंदर 3 बार आया है। गाइस मुझे अभी भी पता है गाइस WWE में ऐसे बहुत ही बड़े बड़े टॉप स्टार्स हैं जिनका गाइस ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक भी इवेंट नहीं है और फिर आते हैं हमारे रोमन रेंस जिन्होंने 1 साल के अंदर ही 3 बार हारा है ब्रॉक लेसनर को। इसलिए गाइस मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि गाइस रोमन रेंस से मैच हारने वाला है। अगर जब रोमन रेंस से मैच हारे पर्सनली गाइस मैं बोलूं WWE गाइस क्या कर रही है जिंदगी ऐसे लगता तो है नहीं कि चीज होने वाली है क्योंकि आप भी सोचोगे अभी ट्रिपल एच पावर में और उनको तो गाइस पता है अच्छे से क्या चीज करना है और क्या नहीं और पर्सनली गाइस मुझे लगता है विंस मैकमैन भी रहते वो भी गाइस रोमन रेंस को नहीं हराते। इसलिए अगर सर हमको क्राउन जोन में इनका मैच दिखने वाला है तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन द हेयर ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ वो ही लोगन पॉल को हराते हुए दिखने वाले और सक्सेसफुली हमारे रोमन रेंस उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल
यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले हैं एट WWE क्राउन जूल 2022।